वेलकम टू माई चैनल कुकिंग फॉर अस। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बर्गर, जिसके लिए हमको चाहिए बोनलेस चिकन। ये हमने 250 ग्राम चिकन लिया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये हमने ग्राइंडर जार लिया है। अब हम इसमें चिकन को ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसको एक मिनट के लिए क्विक ग्राइंड करेंगे। जब तक हमारा चिकन ग्राइंड होगा, इसके साथ ही हम ये हमारे ब्रेड पीसेस कर लिए हमने। अब हम इसमें मिल्क डालेंगे और उसको थोड़ी एक दो मिनट के लिए ही बस सोक कर देंगे। इसमें चिकन हमारा हाफ ग्राइंड हो गया है। अब हम इसमें अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे अनियन, एक मीडियम साइज अनियन लिया हमने, एंड टू ग्रीन चिलीज, वन टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये ब्रेड जो हमने मिल्क में सोक करके रखा था ये इसमें ऐड कर देंगे, हाफ टेबल स्पून पेपर पाउडर, हाफ टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर एंड सॉल्ट। इसको वापस से कवर करेंगे और वापस से इसको ग्राइंड करेंगे। पेस्ट हमारा ग्राइंड हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसकी हम पैटीज बनाते हैं। इसकी पैटीज बर्गर साइज़ की बनेंगी। पैटी हमारी बन के रेडी हो गई है। अब इसको हम एग में डिप करेंगे। यहाँ पे हमने दो एग लिए हैं जिनको बीट कर लिया है। अब इसको हम इसमें डिप करेंगे एंड फोल्ड करेंगे। अब इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में रैप करेंगे। पैटी हमारी बन के रेडी है। हम इसी तरीके से और प्रिपेयर कर लेते हैं। पैटीज एकदम रेडी हो गई हैं। अब इनको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं बर्गर सॉस, जिसके लिए हमने 2 स्पून मेयोनीज लिया है, 2 स्पून टमाटो केचप, 2 स्पून चिली सॉस, 1/2 टीस्पून पेपर पाउडर। इसको अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। हमारा बर्गर सॉस रेडी है। सबसे लास्ट में इसमें श्रेडेड कैबेज ऐड करेंगे। आप चाहें तो उसको अलग से भी बर्गर में रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें सॉस में मिक्स कर सकते हैं। वन आवर हो गया है, हमारी पैटीज को रेस्ट हो गया है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। पैन को चढ़ा दिया है गैस पे। अब इसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसको इसमें फ्राई करते हैं। ये पैटीज फ्राई हो गई हैं। अब हम इसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस रखते हैं और इसको कवर कर देते हैं। चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये एकदम रेडी है। अब हम बर्गर को असेंबल करते हैं। इसके लिए हमने ये बर्गर बन लिया है, इसको हमने बीच से कट कर लिया है। अब इसको हल्का सा जस्ट गरम करते हैं तवे पर। इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे बटर लगाकर। बस पे ये बन ऐसे करके गरम कर लेंगे।
बन सेक लिया है, अब हम इसमें सबसे फर्स्ट मेयोनीज लगाते हैं। इसके बाद जो बर्गर सॉस हमने प्रिपेयर किया था हम वो स्प्रेड करेंगे। टमाटो स्लाइस रखेंगे, अनियन स्लाइस, इसके ऊपर ककुम्बर रखते हैं, और सबसे लास्ट में अब हम ये बर्गर पैटीज रखते हैं। देन इसको कवर कर देंगे। ये देखिए बर्गर हमारा बनके एकदम रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करें, ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। आप इसको ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये कैसी लगी, आपने घर पे ट्राई किया है तो। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इसकी रिटन रेसिपी के लिए हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।